तो ये रहा हमारे फोटोशॉप में एक फोटोज, जिसको कि हम आपको अभी बिल्कुल ही क्लीन करके दिखाएंगे, वो भी बड़े ही आसान तरीके से। अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं कि फोटोशॉप में किसी भी फोटोज का फेस को कैसे गोरा हम कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बड़े ही आसान तरीके से बताएंगे, और जिसकी मदद से आप बड़े ही आसानी से किसी भी फोटोज को बेहतर तरीके से गोरा कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक फोटोज है। तो अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसको गोरा करने का तरीका को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें और स्टेप बाय स्टेप बताए गए हमारे स्टेप को फॉलो करें आप। सबसे पहले यहाँ पे इस फोटोज को आप देख लें कितना डार्क है, तो इस डार्क एरिया को हम सिर्फ इस डार्क एरिया को ही क्लीन करने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक देख सकते हो ये एक लेयर पैनल है, इस लेयर पैनल को मुझे एक्टिव करना पड़ेगा, यानी कि इस तरीके से अगर आपके पास लेयर पैनल नहीं आ रहा है, सिंपल आपको विंडो में चले जाना है और यहाँ पर लेयर ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पे आपको लेयर को ओपन कर लेना है। जब लेयर आपका ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है, इसको इस तरीके से खींच करके यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, तो यहाँ पर आपके पास एक डुप्लीकेट बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाले लेयर को यहाँ से आपको हाइड कर देना है, ठीक है। हाइड करने के बाद ये जब नीचे वाला हाइड हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ से नीचे आप एक फोल्डर का साइन दिखाई देगा लेयर बार के नीचे, तो यहाँ पे क्रिएट ए न्यू सेट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपका एक सेट तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इस सेट को यानी कि इस बैकग्राउंड को उठा करके आपको इसकी इस फोल्डर के अंदर में आपको रख देना है। जैसे कि देख सकते हो इस फोल्डर के अंदर ये हमारे पास एक बैकग्राउंड का एक लेयर है और नीचे वाला लेयर जो है हमारा यहाँ पे ये हाइड है। तो यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ हमारा ये सेट का ही जो लेयर कॉपी किया हूँ वही लेयर बचा हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, आप जो भी वर्क करेंगे इस सेट के अंदर ही वर्क करेंगे हम। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले मुझे इसका एक इसका कलर को चेंज करने के लिए सबसे पहले मुझे एक कलर लेना पड़ेगा। कलर लेने के लिए यहाँ पे सिंपल आपको जाना है एडजस्टमेंट टूल पे, यहाँ पे लेयर के नीचे, और यहाँ पे सॉलिड कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा येलो टाइप का आपको कलर को यहाँ से सेट कर लेना है, और उसके बाद ओके कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो हमने येलो टाइप का एक कलर को क्रीम कलर का कलर को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल आई प्रेस करना है। कंट्रोल आई प्रेस करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देने लगेगा, फिर से अपना फोटोज दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आपको चले जाना है टूल्स बार में, और टूल्स बार में यहाँ पे आपको एक ब्रश टूल्स को सिलेक्ट कर लेना है, और ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद कुछ यहाँ पर आएंगे आप, और यहाँ पे जो यहाँ पे फीदर टाइप का जो आपको ब्रश दिख रहा है यहाँ से आप 300 नंबर का ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको छोटा कर लेना है। छोटा करने के लिए यहीं से आप इसे छोटा कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो हमने इसे छोटा कर लिया है, तो यहाँ पे आपको इतना छोटा कर लेना है, और छोटा करने के बाद आपको इस फेस पे आपको चलाना है कुछ इस प्रकार से। तो अभी हम इसको फटाफट अपने फेस पे जहाँ जहाँ एरिया को गोरा करना है मुझे, उस एरिए को हम इस तरीके से इसको पेंट कर लेता हूँ। तो कुछ यहाँ पे देख सकते हो हमने कुछ इस प्रकार से पेंट कर दिया है, जो कि देखने में बिल्कुल ही खराब लग रहा है। मुझे पता है कि आपको देखने के बाद इसको खराब लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है ये, लेकिन अभी हम आपको इसका कमाल दिखाते हैं। सिंपल जब ये इतना काम हो जाएगा तो आपको यहाँ पे लेयर पैनल के ऊपर में आपको पास एक ब्लेंडिंग ऑप्शन मिलेगा, और इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे सॉफ्ट लाइट पे, यहाँ पे देख सकते हो सॉफ्ट लाइट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से आपका क्लीन हो गया है। अभी हम आपको थोड़ा सा जादू दिखाता हूँ, देखिए पहले ये था और अभी ये है, तो हमारा फेस जो है कि कुछ अच्छा खासा क्लीन हो चुका है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से क्लीन नहीं हुआ है। अभी हम आपको बताते हैं और कुछ ऑप्शन, तो वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक आप बने रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार का वीडियो अगर आप फोटोशॉप से रिलेटेड कमाल का वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इतना हमारा क्लीन हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखोगे यहाँ पे हमारा फेस का जो एक आइकन दिख रहा है यहाँ पे लेयर बार में, इसको कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका जो एरिया है वो ऑटोमेटिक से सिलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस पर मुझे सिलेक्टिव कलर लगाना है। उसके लिए मुझे यहाँ पे चले जाना है
यहाँ पे देख सकते हो इस पे क्रिएट ए न्यू फील्ड और एडजस्टमेंट लेयर, इस पर क्लिक करना है और सिंपल से यहाँ पे सिलेक्टिव कलर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इस एरिया को हम कुछ इस प्रकार से गोरा कर सकते हैं और रेड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया और नीचे वाले ब्लैक एरिया को कम से कम -43 पे हमने रख दिया। उसके बाद अब येल्लो पे लेता हूँ येल्लो कलर को और उसे भी मैं करके देखता हूँ। देख सकते हो ज़्यादा ही ये व्हाइट हो जा रहा है, तो कुछ इतना पे हम रहने देंगे या इतना पर भी हम रहने दे सकते हैं। इस पर +21 पे रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सियान पे चले जाना है और सियान में अभी हम चाहें तो थोड़ा सा इसको -60 कर देता हूँ। मेजेंडा को भी हम घटा बढ़ा के देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसको मैं 0 रहने देता हूँ। और अभी हम जाते हैं ब्लैक में और कुछ ब्लैक को इस तरीके से करोगे तो ब्लैक एरिया यहाँ पे, इसमें ब्लैक भी है ना, जैसे कि आई का हो गया, ब्रा हो गया, ये सब चीज़ें, तो आईब्रो हो गया, ये सब चीज़ें ब्लैक मुझे करना है। तो देख सकते हो अभी ये ब्लैक हट गया और अभी मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे देख सकते हो +40 पे मैं किया और 40 के आसपास रख दिया हूँ इसको और अब यहाँ पे मैं ओके कर दिया हूँ। अभी हम थोड़ा सा इसका कंपेरिजन देख लेते हैं कि पहले क्या था और अभी क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले ये था और अभी ये है, तो कुछ इतना हमारा डिफरेंस हो चुका है। अभी हम थोड़ा सा और वर्क कर लेता हूँ इस पर। तो एक बार और हम फेस को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे और यहाँ से आपको लेवल को सिलेक्ट कर लेना है या आप कलर बैलेंस को सिलेक्ट करें। तो देख सकते हो आप इस पर इस प्रकार से ग्लेजिंग यहाँ पे आपका आ चुका है। कुछ इतना ग्लेजिंग मैं रहने देता हूँ +31 पे, और ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको अगर हम 0 रखेंगे तो ये इतना होगा और इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे +30 हो गया। इतने रहने देते हैं। मेजेंडा को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा थोड़ा सा वाइट कर देगा इसे, और येल्लो को हम घटा भी सकते हैं हल्का सा। देख सकते हो आप ये पूरा ही फेस क्लीन हो जाता है, तो इसको हम चाहें तो हल्का इतना रख सकते हैं ताकि ये नेचुरल कलर हमारा ये हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर वाले सियान को बढ़ा के देखता हूँ, तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमारा ये नेचुरल कलर सेलेक्ट हो चुका है। अभी हम देखते हैं पहले और अभी में फ़र्क। देख सकते हो रियलिस्टिक तरीक़ा से हमने अपने फेस को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन कर चुके हैं। अगर हम फेस में थोड़ा सा और लाइटनेस लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक बार फिर से फेस को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे, हमारा फेस सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से चले जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर पे और यहाँ पे लेवल को सिलेक्ट कर लेंगे, और लेवल को सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से इसे हम यहाँ से लाइट कर देंगे फेस को, ज़्यादा लाइट नहीं करेंगे, हल्का सा लाइट करेंगे, और इसे मैं 0 रहने देता हूँ और इस एरिया को मैं इतने रहने देता हूँ। बस इतना हमारा ये काफ़ी है। फेस हमारा बहुत ही अच्छे तरीक़ा से ये क्लीन हो चुका है। अगर आप एग्जाम्पल इसका देखना चाहोगे तो पहले ये था और अभी ये है, ठीक है। तो इतना हमारा हो चुका है, ठीक है। और अभी हम चाहते हैं कि इसका एक और कॉपी लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको इस पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इस सेट को ओपन करना है आपको इस तरीके से। अगर मान के चलो सेट आपका बंद रहेगा तो सेट को ओपन करना है इस प्रकार से और इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, और बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एक यहाँ से सॉलिड कलर आपको फिर से ले लेना है और सॉलिड कलर लेने के बाद येल्लो रेड ले लेना है, और लेने के बाद आपको कंट्रोल आई प्रेस करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट करके यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसे येल्लो की तरह मैं कर देता हूँ इसको। देख सकते हो आप इसको मैं अपने होंठ को यहाँ पे कलर कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा छोटा करके इस प्रकार से इसको छोटा कर लेना है ब्रश को। ब्रश छोटा करने के बाद और फोटो को आपको जूम कर लेना है, जहाँ पे आपको डिफिकल्ट एरिया लगे आप फोटो को जूम करके ही उसे पेंट वगैरह या सेलेक्ट वगैरह करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो ये सबसे बढ़िया तरीका हुआ, हमने इसे सेलेक्ट कर दिया है। और इसके बाद आपका अब आपको करना क्या है, इस पर फिर ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है और यहाँ से ओवरले पे क्लिक कर सकते हो, या चाहो तो आप सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर सकते हो, सॉफ्ट लाइट ही सबसे बेस्ट है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि सॉफ्ट लाइट हमारा बहुत अच्छी तरीके से यह कलर यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। अब मैं इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो आप बड़े ही अच्छे तरीके से मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ इसको। चाहूँ तो मैं येल्लो भी कर सकता हूँ या रेड भी कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप
कि थोड़ा सा रेड कर दिया हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, पहले ये था और अभी ये है। कुछ इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से अपना फेस को क्लीन कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कलर को और चेंज कर देता हूँ लिपस्टिक का कलर को। तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो गया लिपस्टिक का कलर। तो बड़े ही आसान तरीके से आप बड़े ही इजी तरीके से, मैंने जैसे जैसे बताया आपको उस स्टेप की मदद से आप बड़े ही आसानी से अपने फेस को क्लीन कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यहाँ पर इसको मैं बता दूँ लास्ट में जाने से पहले कि इसको सेव करने का तरीका, यहाँ पर आप फाइल में चले जाएँगे और यहाँ पर सेव एज पर क्लिक करना है। और यहाँ से आप अपना देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट नहीं सेलेक्ट करना है, आपको JPG सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना है। यहाँ से आपका सेव हो गया है, ठीक है। और एक और मैं यहाँ से लिपस्टिक के कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे लिपस्टिक का कलर मैंने चेंज कर दिया। और अब यहाँ पे फिर से मैं यहाँ से सेव एज पे जाता हूँ और यहाँ से JPG सेलेक्ट करता हूँ। और JPG सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कॉपी टू लिख देता हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं दोबारा यहाँ से कॉपी यहाँ पे सेव कर दिया हूँ। तो अभी यहाँ पर आप डिफरेंस जो देख सकते हो ना, कि बेहतर डिफरेंस मैंने आपको दिखा के रखा है। यहाँ पे देख सकते हो कि पहले, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा अभी का फोटोज है और ये भी अभी का फोटोज है, पहले ये था और अभी ये है। तो कुछ इस प्रकार से आपको डिफरेंस दिखाई देगा फोटोज़ में। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि पहले हमारा फोटोज़ ये था और अभी ये है। तो कुछ इस प्रकार से आप एडिटिंग कर सकते हो अपने फोटोशॉप में फोटो को गोरा करने के लिए। तो आपको ये आसान सा टिप्स कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।